दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे हो गए। वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। मैं आज तुमको एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, जो आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के डिफरेंसेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है एंड ऑडिटिंग क्या है। अकाउंटिंग का डिफरेंस ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर से क्या क्या डिफरेंस है, इसमें कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अकाउंटिंग किधर काम करता है और देन ऑडिटिंग किधर काम करता है, कैसे हम इसको परिचालित करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है। फर्स्ट उसका मीनिंग, अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। इन ऑल एक्टिविटीज एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रिक्वायर्स मनी एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेस, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर दीज रिसोर्सेस। जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेस जरूरत हो रहा है, मनी रिक्वायर हो रहा है, इसमें अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा गुरुत्व होता है। जिसमें हम अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा गुरुत्व होता है मनी और फंड का। अकाउंटिंग का मतलब है कि इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ ए प्रोसेस। हाउएवर द अकाउंट्स आर समराइज, क्लासीफाई एंड रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग, दीज आर जिसी तरह इसको हम समराइज एलोकेटिंग करते हैं अकाउंट्स को, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। वो एक टेक्निक होता है। तो अकाउंटिंग का मतलब ये होता है। इन अदर वर्ड्स, वेदर मनी इज इन्वॉल्व, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट्स फॉर इट। तो उसका मतलब यह हुआ, जिसमें अकाउंटिंग एक तरफ का टेक्निक है, जिसको हम अकाउंट्स और मनी रिक्वायर्ड में इसको हम यूज करते हैं। तो चलिए, उसका फीचर्स क्या है अकाउंटिंग का। फीचर्स वो आइडेंटिफाइंग, जिसको हम आइडेंटिफाइंग करते हैं। देन मेजरिंग, मेजरिंग का मतलब उसको मेजरमेंट करते हैं, किसी तरह का ट्रांजेक्शन्स है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। रिकॉर्डिंग, देन उसको रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स अकाउंट्स में। देन इसको क्लासीफाई करते हैं, इसमें क्या लिखा है, किसी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इसको मेंटेन करते हैं, उसको हम देन क्लासीफाई करेंगे। देन समराइज, इसको समराइज करेंगे, लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसको हम लिखेंगे। तो सिंगल अकाउंट से ना, डबल अकाउंट से, जिस तरह अकाउंट से उस तरह अकाउंट हम इसमें मेंटेन करेंगे, समराइज करेंगे। देन सिग्निफिकेंट, इसका अनदर फीचर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय सिग्निफिकेंट मैनर, जिसको एक तरह की सिग्निफिकेंट मैनर, राइटली मैनर में उसको प्लेस करना है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि उसका मेन, जो मेन पॉइंट, ये अकाउंट्स हम जो कर रहे हैं, किस लिए अकाउंट्स कर रहे हैं, किसमें किसी तरह है कि इसमें ग्रोथ हुआ है, उसका हम इंटरप्रेट करना। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंड यूजर्स, जिसमें जो एंड यूजर्स है उसका, उसके पास, उसके साथ हम कम्युनिकेटिंग रखेंगे, उसका कम्युनिकेटिंग रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। तो उसका वो था उसका फीचर्स अकाउंटिंग का। देन हम प्रोसीजर किसी तरह करेंगे। फर्स्ट अकाउंटिंग को हम रिकॉर्डिंग करेंगे, देन क्लासीफाइंग करेंगे, देन समराइज, देन रिपोर्टिंग, देन एनालाइजिंग एंड लास्ट वेगल में हम इंटरप्रेटिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड करना, किसी तरह के हम इसमें मेंटेन करेंगे। क्लासीफाई करना, उसको क्लासीफाई करना, हम उसको डिटेल्स से उसका जानकारी पाना। देन समराइज करना, उसको डिटेल से रिटर्न करके रखना। रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट करना कि वो ठीक है कि नहीं। देन एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेटिंग, लास्ट लेवल में क्या ठीक है क्या भूल है उसको इंटरप्रेट करना, वो होता है अकाउंटिंग का प्रोसेस। देन ऑडिटिंग, चलिए ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग इज इंस्पेक्शन ऑफ करेक्टनेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट क्वालिफाई अकाउंटेंट। मैं अनदर वीडियो में, जो वीडियो में पोस्ट किया था, इसमें भी मैं बताया था ऑडिटिंग क्या है। आज भी बताऊंगा कि ऑडिटिंग वो होता है जो
करेक्शन करता है, वेरिफिकेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसको ऑडिटिंग बोलते हैं। वो एक तरफ की टेक्निक भी है। तो अकाउंटिंग एक तरफ की टेक्निक, देन ऑडिटिंग एक तरफ की टेक्निक भी है। तो वो था ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का अनदर मीनिंग होता है भी, उसको एग्जामिन करना ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी टैक्स रिटर्न टू वेरीफाई इट्स एक्यूरेसी। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसमें थ्री टाइप्स का ऑडिट इंक्लूड होता है। तो वो उसका मीनिंग है। देन चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे उसका फीचर्स। फर्स्ट उसका फीचर्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका फीचर्स वो होता है कि फर्स्ट ओपिनियन, इसका जो ऑडिटर होते हैं उसका ओपिनियन फर्स्ट लेंगे। देन सिस्टमेटिक प्रोसेस, वो जो ऑडिटिंग होता है वो एक तरफ की सिस्टमेटिक प्रोसेस है। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, इसमें थ्री पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मैनेजर, शेयर होल्डर्स एंड ऑडिटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सब्जेक्ट मैटर, जिस के लिए हम ऑडिट करते हैं उसके सब्जेक्ट मैटर क्या है उसको हम जानेंगे। देन एविडेंस, इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे और एक सब्जेक्ट जो जिसमें हम बोलते थे कि भाउचिंग, वो एक तरफ की एविडेंस है। तो इसमें भाउचिंग का बहुत ज़्यादा गुरुत्व होता है, वो एक बैकबोन होता है ऑडिटिंग का। तो एविडेंस इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देन एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, इसको एस्टैब्लिश करना, उसको एक्सप्लेन करना, वो था उसका फीचर्स। देन हम चले डिस्कस करेंगे उसका प्रोसीजर, किसी तरह उसको हम मेंटेन करते हैं, उसको किसी तरह हम काम में उसको यूज करते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, प्लान करते हैं कि ऑडिट क्या करेंगे। देन फील्ड वर्क, जिस क्षेत्रों में हम ऑडिट करेंगे उसी प्लेस को हम जाएंगे। देन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट फर्स्ट बनाएंगे। देन ऑडिट फॉलोअप, जो ऑडिट रिपोर्ट हम करते हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो वो था उसका प्रोसीजर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग क्या है, ऑडिटिंग क्या है। देन चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे उसका डिफरेंसेशन, उसके अंदर से क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फर्स्ट लिखा है कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग, एंड सेकंड बगल में लिखा है कि ऑडिटिंग। तो उसका मीनिंग क्या है फर्स्ट हम जानेंगे। उसका मीनिंग है अकाउंटिंग मीन्स सिस्टमेटिकली कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसमें लिखा है कि हम सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में उसको हम प्रिपेयर करेंगे। देन इसी तरह की ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग का मीन्स होता है कि इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल गया उसको चेक करना, वेरीफाई करना ऑडिटिंग का मतलब होता है। तो स्कोप, उसका स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या स्कोप होता है। ऑडिटिंग प्रिपेयर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का जो इंस्ट्रक्शन उसी तरह की वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो है उसको भी बनाएगा, बैलेंस शीट उसको बनाएगा एंड अदर स्टेटमेंट्स। जिस तरह की ऑडिटर जिस को चेक करेगा वो ठीक है ना, बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह की वो उसका मेंटेन करेगा। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है। तो ऑडिटर का मतलब है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हुआ है, जो बैलेंस शीट हुआ है उसको चेक करना, चेक ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंसिडरिंग देयर फेयरनेस एज वेल एज कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट और नॉट। तो इसी तरह कि उसका स्कोप होता है, किसी तरह उसको चेक करेंगे तो किसी तरह उसको मेंटेन करेंगे। देन नेचर ऑफ वर्क, उसका वर्क क्या होता है, वो किसी नेचर का वर्क करता है। अकाउंटिंग इज सिंप्लीफाइड टास्क, वो सिंपली टैक्स होता है, टास्क होता है हुई चीज परफॉर्म्ड बाय द अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटेंट्स परफॉर्म करता है, अकाउंटेंट्स उसको प्रिपेयर करता है। तो उसी तरह की ऑडिटिंग वो कॉम्प्लेक्स, वो सभी तरीके से उसको चेक करेंगे। तो वो ऑडिटर्स का काम है, वो परफॉर्मिंग करता है ऑडिटर। देन गवर्न बाय, इसमें कौन कौन किसी तरह के रूल रेगुलेशन इस पर गवर्न होता है, इसमें इंक्लूड होता है, फॉलो अप होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उस वो अकाउंटिंग फॉलो करता है।
इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को वो फॉलो करता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग उसको वो ऑडिटिंग फॉलो करता है। देन वर्क परफॉर्म्ड बाय, इसमें कौन कौन इसमें वर्क करते हैं, अकाउंटेंट अकाउंटिंग में वर्क करते हैं, तो उसी तरह ऑडिटिंग में ऑडिटर वर्क करता है। अपॉइंटमेंट, इसमें कौन सा पर्सन इसमें अपॉइंटमेंट होते हैं, अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थ्रू में अपॉइंटमेंट होता है अकाउंटिंग अकाउंटेंट। देन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय देयर होल्डर्स, उसका जो शेयर होल्डर्स हैं उसी तरह की उसके माध्यम से ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है। तो स्टाफ, इसमें स्टाफ क्या है, किसी तरह की स्टाफ वो होता है। अकाउंटेंट इज ए स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, एंड ड्रॉज द सैलरी फ्रॉम द बिजनेस, वो बिजनेस अंदर से सैलरी पाता है। तो इसी तरह की आ जाना ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, वो एक पर्सनल होता है। हु इज अपॉइंटेड बाय स्पेसिफिक पीरियड, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो अपॉइंट होता है। ही गेट्स सम रेमुनरेशन, वो एक तरफ का रेमुनरेशन पाता है, लेकिन अकाउंटेंट वो एक तरफ की सैलरी पाता है। वो बिजनेस के अंदर से है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। वो स्टाफ के गौर से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डिफाइन कर डिफरेंस होता है। देन पर्पज, उसका पर्पज़ क्या है, किसी तरह की वो परफॉर्मेंस करता है, टू शो द परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो परफॉर्मेंस देता है, प्रॉफिटेबिलिटी देता है एंड फाइनेंशियल पोजिशन को वो रिकॉग्नाइज करता है। तो उसी तरह ऑडिटिंग क्या करता है, टू रिवील द फैक्ट दैट द व्हिच एक्सटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्रू एंड फेयर, जो इसमें लिखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो ट्रू एंड फेयर है ना नहीं, उसको वो रिकॉग्नाइज करना, वो होता है ऑडिटिंग का ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें लिखा है कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसी तरह के उसका पर्पज होता है। तो स्टार्ट क्या होता है, किसी तरह के उसमें स्टार्ट किया जाता है अकाउंटिंग को, किसी प्लेस में स्टार्ट किया जाता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जिसी तरह की बुक कीपिंग एंड्स होता है उसी तरह के अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। देन ऑडिटिंग स्टार्ट अकाउंटिंग एंड्स, जिसी तरह अकाउंटिंग एंड होता है देन ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, इसमें इधर लिखा है। तो उसका पीरियड किसी टाइम के लिए है, इसका पीरियड होता है अकाउंटिंग का पीरियड होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, वो कंटिन्यूसली चलता है, उसका कोई एंडिंग पीरियड नहीं है। तो इसमें ऑडिटिंग का एक पीरियडिक प्रोसेस होता है, 5 साल का 10 साल का लिए वो अपॉइंट होते हैं, तो उसी तरह के उसका पीरियड होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, किसी तरह की उस रिपोर्ट को प्रिपरेशन करते हैं, एंड अकाउंटेंट डज नॉट प्रिपेयर रिपोर्ट, अकाउंटेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर नहीं करते। आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ हिज टैक्स, जो इसका टास्क है उसको कंप्लीट केस के साथ उसको वो रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर करता, बट ही हैज गिव इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट व्हेन नीडेड, जिसी तरह के उसका जो मैनेजमेंट का नीडेड होता है उसी तरह का वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑडिटिंग प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है रिपोर्ट को आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ हिज वर्क, बाद वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कौन कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, कौन कौन इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन कौन उसको इसमें लाइबल होते हैं। तो अकाउंटिंग में अकाउंटेंट रिमेंस रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेंट इसमें रेस्पॉन्सिबल है। देन इसमें एन ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर्स एंड शेयर होल्डर एंड ओनर्स कोर, इसमें ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होता है, लाइबल होता है। प्रोफेशनल कंट्रोल क्या है, देयर इज नो प्रोफेशनल कंट्रोल ओवर अकाउंटेंसी, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में नो प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ऑडिटर केस में वो प्रोफेशनल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द ऑडिटिंग वर्क्स, जो उसका ऑडिटिंग वर्क्स होता है वो रूल रेगुलेशन के माध्यम से वो एक तरफ का प्रोफेशनल है, लेकिन इसमें जो अकाउंटिंग होता है वो एक तरफ का प्रोफेशनल नहीं है। तो वो था उसका डेफिनेशन। मैं
तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो कंफ्यूज था कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग क्या होता है, वो तो आई थिंक वो तुम्हारा तुम समझ जाओगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करने दोस्तों। थैंक यू।